भारत लद्दाख तिब्बत थिएटर में जमीन और हवाई अभ्यास सहित चीनी सैन्य युद्धाभ्यास पर भी नजर रख रहे हैं। यहां तक कि दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में घर्षण बिंदुओं से अपनी अग्रिम पंक्ति के सैनिकों और हथियारों को वापस खींचने के लिए एक जटिल विघटन प्रक्रिया पर बातचीत कर रहे हैं। भारतीय सेना ने हाल में किए गए हवाई अभ्यासों को ट्रैक किया है, जिसमें एक स्क्वाइन प्लस चीनी लड़ाकू जेट शामिल है, जो पिछले महीने किया गया एक अभ्यास है, और चीनी प्रशिक्षण क्षेत्रों पर भी नजर रख रही है, जो 1000 किलोमीटर की गहराई पर है। वहीं LSC से वो 1500 किलोमीटर की गहराई पर है। 28 मई को सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि उनके सैन्य हाई अलर्ट पर थे, क्योंकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने LSC के पार अपनी तत्काल गहराई में अपने सैनिकों और मशीनीकृत तत्वों को तैनात करना जारी रखा, जहां से उन्हें आगे के लिए तैनात किया जा सकता था। वहीं दोनों सेनाओं के पास लद्दाख थिएटर में 50,000 से 60,000 सैनिक है, और पैंगोंग सो सेक्टर में विघटन के बाद तैनाती कम नहीं हुई है। दोनों देशों की वायु सेनाएं भी लद्दाख तिब्बत थिएटर में उसी तरह तैनात रहती हैं, जैसे पिछले साल सीमा रेखा अपने चरम पर थी, जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स ने 1 अप्रैल को लिखा था। भारतीय और चीनी सीमाओं ने सीमा को हल करने के लिए बातचीत शुरू की है 1 साल से भी अधिक समय पहले, लेकिन दोनों पक्षों को घर्षण बिंदुओं पर तैनात प्रतिद्वंदी सैनिकों के विघटन के लिए एक समझौते को हथियाने में केवल सीमित सफलता मिली है। विवादित सीमा पर तनाव कम करने के लिए भारतीय सेना और चीनी PLA ने 6 जून 2020 को कोर कमांडर रैंक के अधिकारियों के बीच 11 दौर की बातचीत की है। सैन्य वार्ता का एकमात्र महत्वपूर्ण परिणाम 9वें दौर की वार्ता के बाद फरवरी के मध्य में पैंगोंग सो से अग्रिम पंक्ति के सैनिकों और हथियारों का विघटन रहा है। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहे SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।